सही हुसैन मेरी माँ कहती थी उठे सकीना सलाम अलैहा है कि ये शबी आपकी खिदमत में है और ये हकीकतन वाकयतन बाबुल्ला है, खुदा का दरवाज़ा यही है, इसीलिए इनको वजी है खुदा, यानी खुदा का बेहतरीन और ख़ूबसूरत चेहरा कहा है इनको। ये खुदा तक पहुंचने के लिए ख़ूबसूरत चेहरे हैं तो हमारे लिए एक नियमत है। और यहाँ पे बीबी की शबी भी है और बीबी जो है करबला में भी अपने चचा हज़रत अब्बास अलमदार सलाम ज़ेर निगरानी थी, तो आज भी हमने यही मुनासिब समझा कि गाज़ी अब्बास अलमदार के ज़ेर साया है बीबी हो, तो ऊपर आपके सामने हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, उसकी शबी है, और साथ ही जुलाए अली असगर है अलैहिस्सलाम, और नीचे जब आप जाएंगे तो आपको बीबी का की शबी भी है, और साथ ही आखिर में बीबी अली की लाडली बेटी, अली की शेरदिल बेटी ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा, उनसे मंसूब व ज़ियारत भी है, आपने ज़ियारत की होगी। परवरदिगार आलम हम सब को इन हस्तियों को समझ कर इनकी सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस दर पे पाक बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के दर पे खादिम हूँ। यहाँ पे तकरीब जितने भी मामलात हैं उसके अंदर ज़्यादा मेरा होता है कि मेरे से रब्ता करते हैं, हर वक्त मैं ही आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँगा। बाकी तकरीबन बहुत सारे हमारे बरादरान हैं जो से यहाँ पे ताउन कर रहे हैं, इसमें हर मसलक के बच्चे भी आके काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। और ये जिस जगह पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं, ये जगह अल्लाह उनके रिज़क में बरकत दे, उनकी परेशानियां दूर करे। सैयद फरियाद हुसैन शाह साहब हैं, उन्होंने ये जगह जो सी बारगाह के लिए वक्फ़ की थी, ये इस साइड वाला प्लाट जो है, ये एरिया उन्होंने यहाँ के लिए वक्फ़ किया। ये गेट जो है, ये गेट का नाम है बाब उम्मुल बनीन, जो भाई ने भी आपको दिखाएँगे। अब ये मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ बारगाह के। ये आप दरगाह अब्बास के मेन हॉल में आ गए। अब इस हॉल में ही आप आएंगे तो ये हमारा आज़ादारी के सिलसिले में इस्तेमाल और नमाज पंजगाना नमाज में भी इस्तेमाल हो रहा है। पर्दे के लिए, ख़वातीन के लिए ये पार्टीशन बनाई गई है। और एरिया देख लें, यहाँ पे रूहानियत और बाकी इबादत सब कुछ चल रही हैं। ये ज़ायरीन भी आए, बेटा आप ज़रा अपना चेहरा दूसरी साइड पे कर लीजिएगा। ये ज़ायरीन भी आ रहे हैं, ये छोटे शहजादे का गहवारा बना हुआ है। ये तकरीबन 6 साल पहले ये गहवारा बना था, जब से बीबी की ज़्यारत का आगाज़ हुआ है उसके बाद से इसको भी यहाँ पे रखा गया, नहीं तो ये जैसे वैसे मुनासबत से बीबी की मौला की मुनासबत से निकाला जाता था, लेकिन जब से बीबी के पुरसादारी का स्टार्ट हो गया उसके बाद से ये गहवारे की जगह यही है। ये ज़रिए मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, क्योंकि ये दरगाह अब्बास है, दरगाह अब्बास की मुनासबत से इसको बनाया गया। और इसकी जगह भी ये जौनसा एरिया में जिस जगह बनी है, ये पहले भी बारगाह होती थी, अब भी ये बारगाह है।
तो इसके मुनासबत से, लेकिन है कि जो नीचे बीबी का हरम बना है, ये बाद में हमें जैसे इशारा मिला कि किसी जगह पे हम गए थे तो उन्होंने वहाँ पे हमारे जहन में आया तो हमने बनाया था, लेकिन है कि वो आगा जान ने भी आपको पहले बताया कि इनका चचा भतीजी का बहुत प्यार है, उसकी मुनासबत से जो सा ने इनको ऊपर नीचे बनाया गया। ये पिक्चर्स जो से एक भाई हैं उन्होंने करबला से उनको मिली थी तो उन्होंने यहाँ पे ये हमें दी हैं बारगाह के लिए। ये बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि जो लोग शाम नहीं जा सकते, उनकी इस्तेआत नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं उनके पास कि वो वहाँ जाएं, तो उनको यहाँ पे मौका मिले कि वो आके बीबी को पुरसा दे सकें। अब आपको मैं नीचे ले कर चलता हूँ, आप बीबी की ज़री की ज़्यारत भी करें और बीबी की ज़री के बारे में मैं आपको बताता हूँ। اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا بنت الحسين بيبي اجازت اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد। ये ज़री पाक बीबी सकीना सलाम अल्लाह अलैह की, ये जब बनाया था ये जगह का हमने बनाना शुरू किया तो हमने शाम नहीं गए थे। कमरे का साइज़ बीबी के ज़री का साइज़ तकरीबन 90% सेम वो बना है, ये मौजज़ा नहीं है। उसके बाद जितने स्टेप नीचे आप उतर के आए ये स्टेप भी वहाँ पे हैं, हमने आज तक नहीं गिने, लोगों ने गिन के हमें बताया कि ये स्टेप इतने हैं यहाँ पे। और लास्ट ईयर जब अरबईन पे मेरा भाई गया है वहाँ पर शाम, उसने इस बीबी की ज़री की वहाँ पर उनको वीडियो दिखाई बीबी के हरम के जो वहाँ पर इंचार्ज हैं, तो उन्होंने देख के वो इस मुगालते में हो गए कि ये बाबे सगीर पे जो असल है उसी की वीडियो दिखाई जा रही है। फिर उन्हें बताया गया कि आगा ये वो नहीं है, ये पाकिस्तान ने बनाई है। जब उन्होंने यहाँ का इसका अंदर का माहौल देखा, इसकी तस्वीरें देखी, तो उन्होंने कहा नहीं ये बाबे सगीर वाली नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से जो सा हमें इस ज़री के लिए बीबी के तोहफ़ भेजे, उस तोहफ़ में उन्होंने बीबी की असल तुरबत पे से कुरान पाक, बीबी के दूर और बीबी का एक छोटा सा ताज है और एक परचम जो बीबी के रोज़े पे लगा हुआ था वो उन्होंने भेजा, वो अब हमारे पास आया था। तो वो इस ज़री के अंदर बीबी की अंदर तुरबत बनी हुई है, उसके ऊपर वो उनका तबर्रुक जो उन्होंने भेजा था वो हमने बीबी की ज़री के अंदर रख दिया है। बाकी आप लोग आएँ, हमारी तरफ से आपको ये जंजीर जो उनसी है, वैसे तो लोग समझते हैं ये चलने के लिए है, ये वो नहीं है। ये जंजीर से भी एक मुनासिबत है कि बीबी का जो जिंदान था उसके अंदर एक जंजीर लगी हुई थी जिससे सब कैदियों को उन्होंने मुंसलक किया हुआ था। जैसी खामोशी होती थी तो वो जंजीर को खींचते थे और सारे कैदी जो से दोबारा अपनी तकलीफ में मुब्तला हो जाते थे। इस जंजीर की मुनासिबत यह है, लेकिन हम इसके ऊपर तहरीर नहीं करते कि कौन सी पर्सनैलिटी, कौन सी हस्ती किस जगह पर मौजूद थी। अच्छा, बाकी नीचे सारा मैंने आपको बताया है। अब ये है कि ये पत्थर इस वजह से लगाया है कि हमने इसको फैंसी नहीं बनाना, ये ऐसा महसूस हो, आपकी फीलिंग्स ऐसी हो कि आप किसी कैद खाने में गए हैं। ऐसी जो बीबी की ज़री को ना खोलने की वजह यही है कि बीबी की ज़री ना हम बर्दाश्त कर सकते हैं ना कोई और बर्दाश्त कर सकता है कि बीबी की ज़री को खोला जाए। और ये ब्लैक स्टोन और वगैरह कि आपको एहसास हो कि हुसैन की बेटी किस जगह पर रही है, मौला हुसैन की बेटी के लिए कैसा उन्होंने जगह का किया था कि जिस अजियत से उनको दरकिनार होना पड़ा। अके अब आगे आप आ जाएं इसके बाकी डिटेल। इस बारगाह की तामीर में भी जो से हमारे एक अल्लाह उनको ज़िंदगी दे सैयद जावेद अब्बास भाई हैं, हमारे अंकल हैं कनाडा से, उन्होंने बहुत इसके साथ तआवुन किया। अल्लाह ताला उनके बुज़ुर्गों के दर्जात बुलंद करे और उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और उनकी परेशानियाँ दूर करे। ये दुआ आशूरा है, ये मौला अब्बास के रोज़े से आई है, वहाँ से लेके आई थी एक बहन हमारी, उन्होंने दी कि यहाँ पे लगानी है। और बाकी ये भाई अभी आपको बाहर से भी इसकी डिटेल बनाएंगे, आपको वीडियो बना के दिखाते हैं कि ये बिल्कुल मौला अब्बास के रोज़े से इसकी मुनासिबत रखी गई है और इसकी तैयारी जो सी है वैसे ही होगी। रोने की सदा आती है जिंदा न से अक्सर
जिंदान से अक्सर मर के भी रिहाई ना मिली है जिसे आकर सुनसान सा है जी क्यों सकीना ती थी उठ जाग मेरी जान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद साकिब अली नकवी है और मैं एज़ ए जनरल सेक्रेटरी अंजमन बाक़ियातुस सालिहात जो हमारी ट्रस्ट है उसका एज़ ए जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। ये बारगाह जो है इसकी जो पहली बुनियाद रखी गई थी 1963 में हमारे बुज़ुर्गों ने रखी थी और उसके बाद इसमें आज़ादारी का सिलसिला जारी और सारी रहा, काफ़ी अरसे तक जारी और सारी रहा। 2015 में हमने इसको दोबारा से डिमोलिश करके इसको नए सिरे से तमीर किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तमीर जो है वह जारी और सारी है। और इसके ज़री का जो बुनियादी जो हमने इसका आया था खर्च वो हम लोग गए थे वाकेंट में हमने ज्यारत के दौरान वहाँ पर उन्होंने बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का जिंदान बनाया था तो वहीं से हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि हम ये जिंदान जो है अपनी बारगाह में भी बनाएं, क्योंकि वह बारगाह पहले भी मौला गाज़ी भास्कर अहमदाबाद से मंसूब रही है तो उस मुनासबत से हम लोगों ने कोशिश की और इस जिंदान की बुनियाद 2018 में रखी हमने। 2019 में इसकी तामीर तकरीबन मुकम्मल हो गई थी, फिर कोरोना आया तो इसकी वजह से प्रॉपर ज्यारत नहीं हो सकी, लेकिन 2020 में फरहान अली वारिस जब यहाँ पर आए तो इसकी प्रॉपर जाना लोगों को इसकी पब्लिसिटी हुई और लोगों का आना शुरू हुआ। अब पूरे पाकिस्तान से तकरीबन कराची से बहावलपुर से मुजफ्फरगढ़ इस साइड से हमारे और पिंडी वाली साइड से पेशावर से पूरे पाकिस्तान से ज़ायरीन जो है ना जोर तजोर तशरीफ़ लाते हैं और अपनी जैमी हाजात पेश करते हैं और काफ़ी लोगों की हाजात यहाँ पे कबूल भी हुई हैं और लोग दौर चौक दौर आ भी रहे हैं बार बार। तो इसी सिलसिले में हमारी जो है कविश का इसे काविश है और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, इसी तरह से ज़ायरीन आते रहें और इसकी आबादकारी में अपना हिस्सा हम लोग डालते हैं। शुक्रिया। बीबी की शहादत के मुनासिब हमारा अशरा सानी होता है जो 11 सफ़र से लेकर 20 सफ़र तक होता है और बीबी की मुनासिबत से 12 और 13 सफ़र की जो है ना आज़ादारी मखसूस है जो 2 दिन जारी रहेगी। इस साल भी ये रवायत कायम रहेगी और इस साल अलामा शाकिर अली जैदी साहब ऑफ कराची जो हैं वो खिताब फरमाएंगे और 12 और 13 सफर को पूरे पाकिस्तान के मातमी संगते जो हैं वो आज़ादारी जो है ना यहाँ पे पेश करेंगे, बीबी का मुनासिब पुरसा पेश करेंगे। मैं अभी रिसेंटली पीछे का खातून आई थी जो कैंसर की पेशेंट थी तो वह अर्लीस्ट स्टेज पर थी तो उन्होंने आके यहाँ पर वो बीबी से दुआ की कि बीबी हमें जो है शफा याबी अता फरमाएँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना हमें अता है कि हम बीबी के दर के ऊपर पानी की एक बोतल रखवाते हैं तो लोग जो है उसके अंदर पानी की आकर बोतल रखते हैं। उसे बीबी ने को हमने यही मशवरा दिया कि आप बीबी के दर पे आकर पानी की बोतल रखें। उन्होंने वो पानी का इस्तेमाल किया और विद इन जो है ना वो दिनों में जो है ना बीबी को उन्होंने शफायाबी दी। काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर शफायाबी के लिए आते हैं और शफायाबी हो भी रही है यहाँ पर। आयतुल्ला जाफ़र शुस्तरी ने अपनी किताब मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में एक हदीस बयान की है। हदीस वो मुफज़ल से मासूम ने मुफज़ल से पूछा कि ए मुफज़ल क्या तुम हमारे जद इमाम हुसैन की ज़्यारत के लिए जाते हो? तो उसने अर्ज़ किया मौला मैं जाता हूँ, हमेशा जाता हूँ। तो मौला ने फरमाया ये सख्त जुमला है हमारे लिए, हम सब के लिए। मौला ने फरमाया कि तुम्हारा ज़्यारत पर न जाना जाने से बेहतर है। अल्लाह अकबर, तुम्हारा ज़्यारत पे न जाना जाने से बेहतर है। उसने कहा मौला आपने मेरी कमर तोड़ दी, ये जुमला कह के आपने मेरी कमर तोड़ दी। तो आपने फरमाया कि ज़्यारत पे जाते हो तुम, करबला ज़्यारत पे जाते हो तो तुम हंसी खुशी
दोस्तों के साथ मजाक, खाना पीना, ये वो सारे जो है ना, तुम्हें एहसास ही नहीं है तुम किस सरजमीन पे आए हो और किसके गम मनाने आए हो, किसकी ज़्यारत के लिए आए हो, उसकी ज़्यारत के लिए आए हैं तो वो जो 3 दिन भूखा व प्यासा रहे हैं, तुम यहाँ पे मजाक, ये वो, ये तुम्हारी ज़्यारत ज़्यारत नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर वो रिक्कत और कैफियत पैदा ना हो जाए तुम्हारी ज़्यारत नहीं होगी। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आप, यहाँ पे रिक्कत भी है, वो कैफियत भी है, वो रूहानियत भी है। अल्लाह ताला हम सबको इस रूहानियत से इस्तेफादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।